हेलो फ्रेंड्स, मैं मोना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल ग्राफिक गर्ल में। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ऑरेंज शेप को स्लाइड ऑरेंज शेप में कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक रेक्टेंगल शेप, इसमें इसके अकॉर्डिंग एक कलर फिल करेंगे। जैसे ऑरेंज का ऑरेंज कलर हो गया, वहाँ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा लेना है आपको। इसके साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। फिर हम लेंगे पेन टूल, अब हम इसके अंदर वो हिस्से को हम इसको पेन टूल से कट करेंगे जिस हिस्से को हमको यहाँ से हटाना है, जिस पोर्शन को आपको हटाना है। अब आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप इसमें डिवाइड टूल में जाके इसको अनग्रुप कर दीजिए। उसके बाद जो हिस्सा हमने सिलेक्ट करा है उसको आप डिलीट मार दीजिए। अब इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए ऊपर नीचे थोड़ा सा। फिर हम एक शेप और नीचे बनाएंगे, जैसे हमने इसको कट करा है सेम इसी तरीके से हम वहाँ से भी एक पोर्शन निकाल लेंगे इसका। उसके बाद हम इसको भी डिवाइड वाले टूल की मदद से इसको हम हटा देंगे, और बाद में जो हमने जो शेप्स ली हैं उसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे इसी तरीके से हम इसके तीनों पार्टों को हम अच्छे से इसकी शेप देंगे। अब हम पेन टूल से यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करेंगे। कुछ इस टाइप से जो ये इन दोनों
हम कुछ ऐसी शेप बनाएंगे जो इन दोनों लेयर्स में साथ साथ में वो उसको अटैच कर सके। अब मैं इसके अंदर कोई भी एक कलर फिल कर दूंगी। इस समय मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया, बाद में इसको चेंज कर देंगे। इसी तरीके से हम इन तीनों स्लाइड्स के अंदर तीन अलग तरीके की शेप्स को ऐड करेंगे। फिर हम ग्रेडियंट टूल में जाके यहाँ पर ऑरेंज और उसमें येलो को भी ऐड कर लेंगे। अब आप इसके अंदर कलर को एडजस्ट कर लीजिए जैसा। अब आप इसे ग्रुप कर लीजिए। अब आप फिर से पेन टूल से एक लीफ की शेप बनाइए। अब इसको सिलेक्ट करके आप डिवाइड टूल पे जाके अनग्रुप कर दीजिए और इस एक्स्ट्रा लेयर को आप हटा के इसको डिलीट मार दीजिए। ये हमारी लीफ की शेप बन गई है। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग कितने साइज़ में आपको लेनी है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दीजिए और साथ में जाके इसको रिफ्लेक्ट शेप उसमें कॉपी कर लीजिए। रिफ्लेक्ट में जाके कॉपी कर लीजिए। देन ये दो लीफ आपके सामने आ गई।
अब आप इस पूरे इमेज को ग्रुप कर लीजिए और आपकी बन के रेडी हो गई है स्लाइड ऑरेंज शेप। एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं, उसके अंदर हम इसमें कलर करेंगे। मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी में से मैं इसमें ब्लैक कलर करूँगी और फिर इसको इसके ऊपर मर्ज कर दूँगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।